नमस्ते योगीस, वेलकम बैक टू माय चैनल योगा गाइड पूर्वाशा। सिर दर्द एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। जिन सारे लोग ऑफिस में काम करते हैं उनको बहुत सारी प्रेशर और टेंशन की वजह से सिर दर्द होते हैं। जो लोग स्टूडेंट्स हैं, अब सिलेबस इतना वर्स्ट हो चुका है कि इतनी कम उम्र में इतनी सारी प्रेशर और टेंशन की वजह से उन लोगों का सर दर्द होते हैं। जो लोग की माइग्रेन की प्रॉब्लम है उन सारे लोगों को तो 2 घंटे से लेकर तो कोई कोई का तो 2 दिन तक भी सर दर्द रहता है। जिन लोग घर में काम करते हैं उन लोगों का काफी सारी परेशानियां टेंशन और प्रेशर की वजह से सर दर्द करता है। तो आज हम बताएंगे आप लोगों को कुछ ऐसा आसन। ये आसन आप तब कर सकते हैं जब आपके सिर में काफी तेज दर्द हो। आज मैं आपको गारंटी देकर कह सकती हूँ, अगर आप अपनी मन को शांत कर और अपनी पूरा ध्यान लगा कर ये योग करते हैं तो आपकी सर दर्द कुछ ही समय बाद एकदम कम हो जाएंगी। क्योंकि मुझे भी जब सर दर्द होती है तो मैं भी ये सब आसन कर ही अपनाती हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने के पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और पास में रहते हुए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो डालूं तो मेरे नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। अपनी मन को एकदम शांत कीजिए। आप धीरे से अपनी हाथ को सर पर लेकर जाइए। अपनी स्कैल्प की मसाज कीजिए, मूवमेंट को फील कीजिए। चाहे तो आप आंख बंद भी कर सकते हैं। आप धीरे से हाथ को नीचे लाइए, एक गहरी लंबी सांस लीजिए और सांस को छोड़े। अब हम कुछ ऐसे आसन करेंगे जिससे आपके दिमाग तक खून का संचार होगा, जिससे आपको आराम मिलेगा और आपकी सर दर्द भी कम हो जाएगा। अब आप सीधा बैठ जाइए, सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर आ जाइए। जब आप पूरे नीचे आ जाएंगे तब आप हाथ फैला लीजिए ऐसे करके, कुछ देर तक ऐसे ही रहे और सांस लेते रहे। अब धीरे से अपनी हाथ को घुटनों पर लेकर आइए और धीरे से ऊपर आ जाइए। एक गहरी लंबी सांस लीजिए और सांस को छोड़े। अब पैरों को साथ ले आइए। आप चाहे तो अपनी हाथ टांगों के नीचे रख सकते हैं ऐसे करके। अब सांस छोड़ते हुए नीचे झुकिए और कुछ देर तक ऐसे ही सांस लेते रहे। अब सांस लेते हुए ऊपर आ जाइए। तो अब हम प्राणायाम करेंगे जिससे आपका पूरा शरीर शांत हो जाएगा और आपकी पूरा ध्यान माथे पे जाएगा और आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। प्राणायाम एक बहुत ही सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। तो सबसे पहले हम माथे के बीच में अपनी 2 उंगलियां फिक्स करेंगे। अंगूठे से दाएं ओर से नाक को बंद कीजिए और बाकी 2 उंगलियां बाएं ओर से थोड़ी ऊपर रखें। पहले बाएं नाक से सांस अंदर लेंगे और बाएं नाक को आप बंद करेंगे और दाएं नाक से सांस को छोड़ देंगे। दाएं नाक से सांस अंदर लेंगे और बाएं नाक से सांस को छोड़ देंगे। फिर बाएं नाक से सांस को अंदर लेंगे और दाएं नाक से छोड़ देंगे। अपनी पूरा ध्यान माथा के बीच में केंद्रित करें। आप चाहे तो अपनी आंखें बंद भी कर सकते हैं। तो अगर आप समझ नहीं पाए कि प्राणायाम कैसे करते हैं तो मैं बोल देती हूँ, इसको नाड़ी शुद्धि या अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कहते हैं। सिर्फ अगर जब आपके सर में दर्द होगा सिर्फ उंगलियों को माथा में केंद्रित करना है और अपनी पूरी ध्यान माथा पे रखना है और अपनी दाएं ओर की नाक को बंद करते हुए बाएं ओर से सांस लेना है और बाएं ओर से नाक को बंद करते हुए दाएं ओर से सांस को छोड़ना है। फिर दाएं ओर से ही सांस लेना है और बाएं ओर से छोड़ना है। फिर बाएं ओर से सांस को लेना है और दाएं ओर से छोड़। प्राणायाम से आप अपनी सांस पर ध्यान लगा सकते हैं,
जिससे आप शांत हो जाते हैं, आपके शरीर में गर्मी कम होते हैं।